हाय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जैसे ही हम अपने टीनेज में आ जाते हैं, हमारी मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाती है, हम थोड़े समझदार बन जाते हैं, यूं कहो तो हमारे पर निकल आते हैं और हम लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, हम लोगों को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं कुछ हूं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कभी कभी बैड हैबिट्स हमें इन्वाइट कर देती है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, शराब, वीड, जंक फूड खाना, रात को लेट सोना, सवेरे लेट जागना। फ्रेंड्स, जब मैं नया नया कॉलेज में गया तभी भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ चार पांच लोग सिगरेट पी रहे थे बैठ के, और जब मैं गया तो उन्होंने मुझे ऑफर की। मैंने देखा लोग बड़े कूल हैं और मैंने उनके हाथ से सिगरेट ली, अपने होठों पे लगाई और कुछ इस तरीके से। तब मुझे पता चला कि मैं कूल नहीं हूं, मैं नामाकूल हूं। वैसे ही मैंने कहीं पे एक पार्टी में शराब शुरू की। फ्रेंड्स, क्या होता है कि कोई भी चीज शुरू करना बड़ा आसान है। हम कूल दिखने के लिए लोगों के साथ बैठते हैं और हम कूल दिखने के लिए शुरू कर देते हैं, लेकिन ब्रेक कहाँ लगानी है ये हमें पता नहीं होता और हम कभी ब्रेक नहीं लगाते, और ब्रेक नहीं लगाने की वजह से वो आदत इतनी गहरी बन जाती है कि हम एक सिगरेट से दिन के 10 सिगरेट पे आ जाते हैं, एक पैग हफ्ते में जो पीते थे उसकी जगह पे रोज के 2-4 पैग पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी चीज बुरी है अच्छी है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कोई भी चीज अगर आप होश में करोगे तो अच्छी है, अगर बेहोशी में करोगे तो बुरी है। अगर कोई भी चीज कॉन्शियसली करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनकॉन्शियसली करते हो तो प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, इन 21 दिनों में आइए जो भी कुछ करें कॉन्शियसली करें, इन 21 दिनों में अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। अगर हम पहले दिन की 4 सिगरेट पीते थे तो कोशिश करें कि अब हम दिन की 1 सिगरेट पिए या 2 पिए, लेकिन कॉन्शियसली अवेयर होके पिए। अगर हम शराब पीते हैं तो कॉन्शियसली अवेयर होके पिए। एक बंदा रोज की 5 पैक शराब पीता था और किसी फ्रेंड ने उसको पूछा कि भैया तू रोज की कितनी शराब पीता है, तो कहने लगा मैं तो एक ही पैक पीता हूं। उस दोस्त ने पूछा भैया मैं तो, मेरे सामने तू 6-6, 7-7 पैक पी जाता है। तो शराबी ने कहा कि भैया मैं तो सिर्फ एक ही पैक पीता हूं, पहला पैक ही कॉन्शियसली पीता हूं, बाकी की दूसरी पैक जो है वो पहली पैक पी जाती है, तीसरी पैक जो दूसरी पैक पी जाती है, मैं तो सिर्फ एक ही पैक पीता हूं। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ में भी ऐसे ही होता है। हम पहला पैग या पहली सिगरेट कॉन्शियसली पिए, सेकेंड भी पीना है तो कॉन्शियसली पिए। बस अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारी जो बैड हैबिट्स है थोड़ी सी माइल्ड हो जाएगी, शायद 0 लेवल पे भी आ जावे 1 महीने के बाद में। सिगरेट और शराब के अलावा जो फ्रेंड्स जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना जंक फूड कम करें, कम से कम जंक फूड खाएं। और जो फ्रेंड्स रात को बहुत लेट सोते हैं, सवेरे बहुत लेट उठते हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि नेचर के अगेंस्ट में ना जाए। सन दिन में रोशनी देता है तो हमें दिन में जागना है, सन रात में सो जाता है तो हमें रात में सोना है। नेचर के अगेंस्ट, नेचर से फाइट करके हम कभी जीत नहीं सकते। फ्रेंड्स, गुड हैबिट्स बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्शियस एफर्ट्स डालना पड़ता है। बैड हैबिट्स अपने आप लग जाती है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिटॉक्स अवर सेल्फ, लेट्स रिड्यूस अवर बैड हैबिट्स। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, आपको अगर मेरी ये बात लॉजिकल लगे, तो प्लीज मुझे मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और राइट साइड में एक बेल बटन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफाई हो। थैंक यू फ्रेंड्स।